हेलो स्टूडेंट्स, क्लास स्किल हाइकर कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर वन, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो क्लास नाइन्थ में ये फर्स्ट चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स चैप्टर का नाम है, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। और सबसे पहली बात आती है कि व्हाट इज मैटर। तो सबसे पहला बात इसमें यही आती है कि व्हाट इज मैटर, मैटर आखिर है क्या। अब मैटर को अगर समझा जाए तो ऐसे कह सकते हैं कि जितनी भी चीज़ें हमको यहाँ आसपास दिख रही हैं, या जितनी भी चीज़ें यूँ कहें कि एग्जिस्ट करती हैं इस दुनिया में, वो सब मैटर हैं। जैसे कि यूँ कह सकते हैं कि अभी हमको क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये चौक दिख रही है, ये टेबल दिख रही है, ये चेयर दिख रही है, ये चेयर दिख रही है, ये फ़ोन दिख रहा है, या इस तरीके से कुछ भी दिख रहा है, सॉलिड लिक्विड गैस। तो ये सब क्या है, ये सब एक तरीके से मैटर ही है। These are all the things which we can see from our eyes or exist in this universe are matter. So we can say that what is matter? अगर कोई, जैसे कि कोई बहुत बड़ा planet है, या कोई बहुत बड़ा elephant है, या बहुत बड़ा कोई कोई school है, या कोई कुछ भी living और object है, वो सब क्या है, एक तरीके से matter तो ही तो है। तो देखा जाए तो सब सब जितनी भी चीज़ें जो एग्जिस्ट करती वो सब मैटर ही हैं। अब अगर देखा जाए तो जैसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, अगर कोई स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो हमको माइक्रोस्कोप से भी दिख रहा, उसका कुछ ना कुछ तो मास होगा। अगर उसका कुछ ना कुछ भी मास है, या यूँ कहें कि उसमें अगर कुछ भी मास है तो वो मैटर ही है। अगर वो देखा जाए कि अगर उसमें कुछ भी जरा सा भी मास है, टाइनी से टाइनी पार्टिकल भी है, अगर अगर उसका जरा सा भी मास है और वॉल्यूम है, तो वो एक तरीके से मैटर ही तो है। क्योंकि वो अगर अगर उसका कोई भी अगर पार्टिकल अगर मैटर नहीं होगा तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा यूनिवर्स में। अगर टाइनी से टाइनी पार्टिकल भी अगर होगा तो वो मास मैटर ही होगा। अब इसका आता है सेकंड प्रॉपर्टी, आती है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, अगर हम लोग ये पूछें कि हमें आसपास अपनी कैसी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, तो हमें तीन तरह की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। एक तो सॉलिड कह सकते हैं, या तो वो सॉलिड हो, या तो वो लिक्विड हो, या तो वो गैस हो। तो मैटर जो होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में अगर देखा जाए तो सबसे पहले आता है सॉलिड। फिर आता है लिक्विड। फिर आता है गैस। सॉलिड में देख सकते हैं कि जैसे डस्टर है, पेन है, चौक है, वुडन स्टिक है, ये सब क्या है, एक तरीके से सॉलिड ही तो है। तो ये भी एक तरीके से सॉलिड मैटर ऑफ क्लासिफिकेशन होगा। और सेकंड में आता है तो देखें लिक्विड, जैसे कि जैसे कि सॉलिड में अगर देखा जाए तो ये चौक है, ये फोन है, या वुडन स्टिक है,
या टेबल है या चेयर है, ये सब सॉलिड में आता है, और ये सब भी एक तरीके से देखा जाए एग्जिस्ट करता है। इनका कुछ ना कुछ मास होता है, कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है, इस वजह से इनको मैटर बोलते हैं। तो सॉलिड में ये हो गया, लिक्विड में देख लिए जैसे कि वाटर हो गया, मिल्क हो गया, और कह सकते हैं कि वाटर हो गया, मिल्क हो गया, इस तरीके से देखा जाए तो ये दो तीन चीज़ें ऐसी होती हैं जो लिक्विड में आती हैं, तो लिक्विड मैटर ये हो गया। गैस में आ गया आपके, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गई। तो गैस में इस प्रकार से देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये गैसेज हैं जितनी भी, ओजोन गैस, वो सब देखा जाए तो गैसेज में ये थर्ड थर्ड क्लासिफिकेशन में देखा जाए तो ये गैसेज में, ये गैसेज मैटर हो गए। ये सब जितनी भी चीज़ें हैं ये सब मैटर हैं। अब हम लोग इसका पढ़ेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, केमिकली अगर देखा जाए तो मैटर तीन प्रकार से क्लासिफाइड होता है, एक एलिमेंट्स, एक कंपाउंड्स, एक मिक्सचर्स। तो इसका फल फर्स्ट फर्स्ट क्लासिफिकेशन के तौर पे देखा जाए तो एलिमेंट्स, सेकंड देखा जाए तो कंपाउंड्स, थर्ड देखा जाए तो मिक्सचर। अब एलिमेंट्स का एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो गोल्ड, प्लेटिनम और सिल्वर एलिमेंट्स के एग्जाम्पल हो गए। अब कंपाउंड्स का एग्जाम्पल देखेंगे तो नमक हो गया, शक्कर हो गई, शुगर हो गई, नमक हो गया, सॉल्ट हो गया, ये कंपाउंड्स के एग्जाम्पल हैं। अगर मिक्सचर के एग्जाम्पल देखेंगे तो जेली बीन्स, ये एक मिक्सचर का एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार से देखा जाए कि केमिकली क्लासिफाइड करें तो एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर में मैटर जो होता है वो केमिकली क्लासिफाइड होता है। इस प्रकार से देखा जाए तो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स और मिक्सचर्स में केमिकली क्लासिफाइड होता है मैटर। अब आता है फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, फिजिकली देखा जाए तो पार्टिकल नेचर, फर्स्टली फर्स्ट अगर फिजिकल क्लासिफिकेशन देखा जाए तो पार्टिकल नेचर ऑफ ए मैटर। अब पार्टिकल नेचर से क्या समझेंगे, अगर हम इस चौक को देख रहे हैं तो ये देखने में तो स्मूथ लग रही है, पर ये क्या वाकई में स्मूथ है? अगर हम इसी जगह पे सैंड को उठा के देखें तो सैंड को अगर हाथ में रख के देखें तो उसमें कई सारे पार्टिकल्स होते हैं, और इसी प्रकार से ये चौक भी स्मूथ नहीं है। ये भी अगर इसको अंडर माइक्रोस्कोप रखा जाए तो हम पाएंगे कि ये भी मेड अप ऑफ सर्टेन पार्ट सब सम पार्टिकल्स है, सम पार्टिकल्स के द्वारा ये बनी हुई है, ये स्मूथ नहीं है। ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी बताती है पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर। अब इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है हाउ स्मॉल मैटर पार्टिकल्स आर, हाउ स्मॉल मैटर पार्टिकल्स आर। अब देखा जाए कि कितने छोटे हैं मैटर पार्टिकल, अगर इसके इस जब
इतने छोटे, कितना भी छोटा हो या कितना भी, मतलब अगर उसका मास और वॉल्यूम एग्जिस्ट कर रहा है तो वो मैटर है। और ऐसी कोई चीज़ होती ही नहीं है यूनिवर्स में जिसका कोई मास या वॉल्यूम ना हो। अगर कोई भी छोटी सी छोटी भी चीज़ होगी उसका कुछ ना कुछ तो मास होगा। अगर उसका कुछ भी मास होगा तो वो यूनिवर्स में एग्जिस्ट करेगी और वो एक तरीके से मैटर ही कहेगी, मैटर ही कहलाएगी। अब पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। इधर से आ नहीं रहा क्या? कैरेक्टरिस्टिक मैटर पार्टिकल, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, मैटर पार्टिकल हैव स्पेस इन बिटवीन देम। इसको लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, मैटर पार्टिकल हैव स्पेस, हैव स्पेस इन बिटवीन देम। अब इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, एक बीकर लीजिए, उसमें 50 ml वाटर लीजिए और उसमें 5 ग्राम सॉल्ट डाल दीजिए। अब उसके बाद हम देखेंगे कि सॉल्ट जो होता है वो पूरी तरीके से बीकर के पानी में घुल जाता है, और उसके बाद घुलने के बाद वो देखा जाए तो उसी में पूरी तरीके से मिल जाता है, और उसका जो पानी का वाटर लेवल होता है वो भी इंक्रीज नहीं होता है। तो इससे ये पता चलता है कि जो वाटर पार्टिकल हैं उनके बीच में स्पेस है, और उसी स्पेस में जाके सॉल्ट एडजस्ट हो गए, सॉल्ट पार्टिकल एडजस्ट हो जाते हैं, और इस वजह से वो बीकर का पानी का लेवल बढ़ता नहीं है और वो मैटर पार्टिकल उसी में एडजस्ट हो जाते हैं। अब इसकी सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, मैटर पार्टिकल आर कंटिन्यूअसली मूविंग। आ रहा भैया वो, सॉरी। मैटर पार्टिकल आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। सॉरी, हम इसका एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं इस बात को। अगर एक बीकर लेते हैं हम लोग, उसमें पानी डालते हैं, उसके ऊपर से इंक डाल देते हैं, तो हम देखेंगे कि पानी में जो इंक होती है वो पूरी तरीके से फैल जाती है, और पूरी तरीके से फैल जाने के कारण वो, मतलब उसको घुमाना नहीं पड़ता, पानी में मिक्सअप होने से पानी का कलर उसी इंक के कलर में बदल जाता है, और वो पानी पूरे पूरे में, मतलब जैसे हमने ब्लू इंक डाली तो वो ब्लू पानी पूरे में फैल जाएगा, और उसके बाद इंक में वो पूरा पानी फैल जाएगा, इंक फैल जाएगी। और उसके बाद इससे ये पता चल रहा है कि मैटर पार्टिकल जो होते हैं वो आर कंटिन्यूअसली मूविंग। इसके बाद आती है इसकी थर्ड प्रॉपर्टी, मैटर पार्टिकल अट्रैक्ट ईच अदर। इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर में, मैटर पार्टिकल अट्रैक्ट ईच अदर। इसको हम लोग इस एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे एक चौक लें और एक कील लें, और इस चौक को की चौक एक हथौड़ा लें, हथौड़े से चौक को भी पीटें और कील को भी पीटें, तो देखेंगे कि सबसे पहले क्या टूटेगा। ऑब्वियस सी बात है कि चौक ही टूटेगी, लेकिन कील, किससे पता चलता है कि कील के पार्टिकल के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स है,
जो जिसके कारण वो मैटर पार्टिकल्स बहुत टाइटली बाउंडेड हैं, इस वजह से वो उनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स है, इस वजह से ये पता चलता है कि ये मैटर पार्टिकल अट्रैक्ट ईच अदर। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर पार्टिकल को देखा जाए तो स्टेट्स ऑफ मैटर में देखेंगे पाएंगे हम लोग कि इसकी बेसिकली तीन स्टेट होती हैं, एक सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसेस स्टेट। फर्स्ट स्टेट इसकी होगी सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट। सेकंड होगी लिक्विड स्टेट, थर्ड होगी गैसेज स्टेट। स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे कि मैटर की जो स्टेट्स होती हैं वो सॉलिड स्टेट, जो सॉलिड फॉर्म में मैटर एग्जिस्ट करता है, और लिक्विड स्टेट में जैसे वाटर हो गया, मिल्क हो गया, और जितने भी लिक्विड्स हैं वो सब लिक्विड्स को बोलेंगे लिक्विड स्टेट। और इसके बाद गैसेज स्टेट आएगी, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, तो ये सब क्या हैं? ये सब दोनों गैसेस जो हम लोग इनहेल कर रहे हैं या छोड़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं, तो ये एक तरीके से मैटर ही तो है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये इस प्रकार से गैसेज स्टेट में आएंगी आपकी CO2 O2, और सॉलिड में लिक्विड में वाटर वगैरह आएंगे, वाटर मिल्क एट्सेट्रा, और सॉलिड स्टेट में आएंगे ऑल द सॉलिड ऑब्जेक्ट्स। ऑल द सॉलिड ऑब्जेक्ट्स मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के, ये टॉपिक्स थे। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। ये हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में। इसमें हम लोग पढ़ेंगे इवापोरेशन, और इवापोरेशन के बारे में पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे अगली क्लास में। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। चेंज इट्स स्टेट। इसके बारे में हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। बाय बाय स्टूडेंट्स। ठीक है।